की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्मा, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में, बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओठों से पूछा कि रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि बोलो भाई साहब, कौन सा रिश्ता खरीदोगे, मां बेटे का, भाई बहन का, पति पत्नी का, प्रेम और विश्वास का? हमारे यहां हर रिश्ते ऊंची क्वालिटी में मिला करते हैं। चुप रहे हम। उसने कहा कि बोलो कौन सा रिश्ता खरीदोगे। अरे बोलते क्यों नहीं, उत्तर तो दो, प्रश्न तो करो। बड़ी दबी हुई आवाज में पूछा, दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। उसने कहा कि बाबूजी क्षमा करना, सारा संसार इसी रिश्ते पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते बिक जाएं तो बिक जाएं, पर दोस्ती का रिश्ता कभी बिका नहीं करता है। दोस्ती का रिश्ता बिकाऊ नहीं होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिक गया, उस दिन ये दुनिया जीने लायक ना रह जाएगी। ध्यान रखना, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती मेरे भाई, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं। महावीर भगवान ने कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। एक सूत्र दिया, सारे जगत से मैत्री का भाव रखो, दोस्ती का भाव रखो। अरे एक इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, दो इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, पंचिंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो इस संसार में। अरे जो दोस्त हैं वो तो दोस्त हैं, कहा जाता है दुश्मन से भी दोस्ती का भाव रखो। वो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, प्रेम का सूत्र है वो है। एक बात स्मरण में रखने जैसी है, हमारी जिंदगी जो चलती है तीन लोगों पर चलती है, पत्नी, बच्चे और दोस्त। समझना, एक गृहस्थ को जीने के लिए पत्नी की भी जरूरत होती है, उसे औलाद की भी जरूरत होती है, और उसे एक दोस्त की भी जरूरत हुआ करती है। इनके बिना जीवन अधूरा होता है, इनके बिना गृहस्थ की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, एक पत्नी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, और एक अच्छा सा दोस्त भी चाहिए। मानिए, एक बात बड़ी मार्के की है, ये तीनों चीज बड़ी नसीब से मिला करती हैं, किस्मत से मिला करती हैं। मुझे नहीं मिले तो मत समझना मैं बदकिस्मत हूं, मेरा रास्ता अलग है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। पत्नी भी नसीब से मिलती है, औलाद भी नसीब से मिलती है, दोस्त भी नसीब से मिला करते हैं, किस्मत से दोस्त मिला करते हैं जिंदगी में। और अच्छे दोस्त तो बहुत बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। दोस्त तो दुनिया में हजारों होते हैं, अच्छे दोस्त तो दो चार ही हुआ करते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ निभाए। एक बात है लेकिन इसमें, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है। ध्यान रख, माता पिता का, रिश्तेदारों का, परिवार का, परिचितों का पत्नी के लाने में हाथ होता है। ध्यान रखिए, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संतान प्रकृति की देन है,
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कैसी औलाद पैदा हो, अरे औलाद पैदा हो ये काम तो तुम्हारे बस में है, लेकिन कैसी औलाद पैदा हो ये तुम्हारे हाथ का काम नहीं हुआ करता है। औलाद अच्छी होगी या बुरी होगी ये प्रकृति की देन हुआ करती है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना।